18 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर धमतरी जिले के कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये आखिरी सत्र है, इस बार तो दिन में तारे दिखाना है और बताना है कि आपकी 5 साल में उपलब्धियां क्या क्या रही है। विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान पर कहा कि प्रमोद कृष्णम और विवेक तनखा जिस जिस प्रदेश से आते हैं वे पहले वहाँ के हालात पर चर्चा कर ले। आज तक बोलते रहे, ये गड़बड़ हो गड़बड़ और फिर भी एफबी पे दमन सिंह बनाकर कुछ भी लिखते है, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। तो चलो हम उनको बधाई देते हैं, तो फिर बात करवाई और हिम्मत है, जो जो आरोप लगाते हैं उस सबके लिए भी जांच करवा देते हैं, अलग निर्देश पर हो रहा है। भूपेश बघेल जो आरोप लगाते हैं उन पर कार्रवाई करें, कौन ने मना किया है? वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे, चुनाव नजदीक आएगा तो और ऐसी कुछ बोलेंगे। आज से बूथ चलो अभियान शुरू हुआ है, अब तक कहां चल रहा है, चलो दिल्ली चलो फिर उसके पहले बूथ चलो के पहले कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली चलो करना चाहिए। मोहन मरकाम जी की एक कुर्सी खतरे में है और कौन कौन तीसरे चौथी पंक्ति के नेता है उनके बीच में उठा पटक है, तो अभी तो पहले वो अपने पाए मजबूत कर लेना, बूथ मजबूत है भाजपा का। विधायक दल की बैठक है, सब आखिरी सत्र है, तो दिन में तारे दिखाना नहीं इस बार को। ऐसा है प्रमोद कृष्णन जी या विवेक तनखा जी जिस जिस प्रदेश से आते हैं पहले वहां के हालात पर चर्चा कर लें, एक दूसरा कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है ये विवेक तनखा जी बताएं, कि दर्शन चिंतन में कांग्रेस काम करती है ये बता दें, और ये भी बताएं कि क्या महात्मा गांधी ने आजादी के बाद मिलने के बाद कांग्रेस को विसर्जित करने की बात कही थी कि नहीं कही थी, ये इतिहास सत्य है कि नहीं है। और हिंदुत्व की बात है तो हिंदुत्व क्या है, विवेक तनखा जी वकील हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख लेना चाहिए, समझ रहे ना, और जो परिभाषा गढ़ते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मैं उनको 14 जनवरी को आमंत्रित करेंगे ना हम रामलला दर्शन करने, किसी की कोई बपौती नहीं, हमने कहां कहां बपौती है, हम तो जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है उनको स्वीकार करते हैं, हम चुनावी हिंदुत्व की बात नहीं करते, हम चुनाव के समय दत्तात्रेय गोत्र और जनेऊ ऐसा कान में लपेटते हुए नहीं दिखाते, हमारी आस्थाएं दिखाने के लिए नहीं है। राम मंदिर जो बन रहा है 600 साल का संघर्ष है, और भी ऐसे प्रतीक हैं देश में, और जाके देखना चाहिए, एक रिपोर्ट है मैं चाहे तो आपके पास भेज दूंगा कि सुकमा में आदिवासी समाज के लोग कैसे एक दूसरे धर्म के साहित्य को जला रहे हैं, तो ये ना प्रमोद कृष्णन जी को दिखेगा, ये ना विवेक तनखा जी को दिखेगा, ना श्री भूपेश बघेल जी को दिखेगा, ये चुनावी लोग हैं। भूपेश बघेल जी 1 साल में कितनी बार रामायण करवा चुके, उनका बस चले तभी और रामायण करवा दे, वो 1 साल में कितनी बार करवा चुके, तारीख बताऊं क्या, अगले बार मिलोगे तो बता दूंगा तारीख से कब कब कहां कहां करवाए उसको, तो सारा एजेंडा दिमाग ऐसा घूम गया, जानते कुछ नहीं, तो वो उसको भी पॉलिटिकल एजेंडा बना दिए हैं कि कोई महोत्सव नहीं कोई कुछ नहीं बस चलो रामायण करवाओ कर। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग अलग अलग विषयों में हमेशा होती रहती, वर्कशॉप गरीब कॉन्स्टेंसी से लोग गए, तो ये एक ट्रेनिंग का विषय है, आइडियोलॉजी का विषय है, चुनावी ही नहीं है, बूथ चलो बूथ को मजबूत करो, वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दर्शन चिंतन से अवगत होंगे, कार्य पद्धति से अवगत होंगे।